है कहाँ गई छोड़ी सुमन ने हमको, गई छोड़ी सुमन ने। छोड़ी सुमन हमको, छोड़ी सुमन बिटिया भारती। तुम कपड़े खोलो, तुम्हारे ठंड लग रही है बिटिया भारती। अर हो गई हमसे गलती और खतावार हूँ, गई हमसे गलती और खतावार हूँ, आज तक माफ मेरी खता की। हो गई हमसे गलती कर अब दोबारा, भूल कर अब दोबारा न गलती करूं गंग मैया की पावन। हेलो, और ये हमारे भैया के संतपाल, यहीं के रहने वाले। ये 10 रुपये कलमबंद भारती देवी आपके लिए आए हैं, और उन भाई साहब का कहना है, भाई अपने जरा पति का ख्याल करे रहना। बिटिया भारती, भानु प्रताप सिंह, हाँ आखिरी है वक्त लौ लगा करतार से, आखिरी है वक्त लौ लगा करतार से, आप दाना उठने वाला है तेरा। मंत्री महोदय आ जाओ। ठहरो अजय, क्या है? इसे हम और तुम नहीं मारेंगे। फिर कौन मारेगा इसे? इसे मारेगा वो पागल बैठा है। अरे जब वो पागल है तो क्या मारेगा वो? भारती, वो पागल क्या मारेगा बेचारा, वो खुद मरा है। अजय ये पागल नहीं है, अरे यही तो है पवन इंस्पेक्टर, जो आज के दिन अपना सब कुछ खोके आज पागल हो गए। हेलो, और ये हमारे भैया के संजय, ये 10 रुपये कम्युनिटी मास्टर आपके लिए दे रहे हैं। कहते हैं यही के सारे के 50 कोड़ा मारू के लिए। अजय, अरे ऐसी पागल अवस्था में ये है, इसकी याददाश्त कैसे आएगी? अजय जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो हम दोनों ने गीत गाया था। गीत? शायद वो गीत गाने से इनकी याददाश्त वापस आ जाए। वो कौन सा गीत है? पवन, आज देखो तुम्हारी भारती तुम्हें बुला रही है। पवन, एक बार अपने मुखारविंद से अपने भारती कह के पुकारो। पवन पवन। हेलो जी, आ गए। एक बहन जी ने रुपया दिया है भारती जी आपके लिए, उनका कहना है कि पहले मंत्री जी के कपड़ा उतार करके आप मारो, इसके बाद में इंस्पेक्टर साहब मारेंगे। पवन, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, ओ तेरी बाहों में जीना है। का ना
फिर हमारे भैया आ गए संजय। ये संजय, ये 10 रुपये भारती आपके लिए आए हैं, कलमबंद इनाम लिखा नहीं जाएगा। और भाई साहब का कहना है इनके सारे कपड़ा जरूर उतरवाओ। हेलो, बार बार लगातार मेला कमेटी की तरफ से फरमाइश आई हुई है कि भारती जी इनके मंत्री साहब के कपड़ा जरूर उतरा लो, थोड़ा मंच पर इनका करो। निवासी ये भारती देवी, आपके सीन पे खुश होकर के भाई साहब हमारे 40 रुपये आपके लिए कलमबंद नाम देते हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और ये विनोद हमारे भाई साहब मेला कमेटी की तरफ से, ये भाई साहब इंस्पेक्टर पवन की सीन पे खुश होकर के स्पेशल 50 रुपये कलमबंद नाम दिए हैं, धन्यवाद। भारती देवी, पवन आप रो रहे हैं, तू कहां छोड़कर हमें चली गई थी? देख जिन लोगों की हिफाजत करने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दिया, यही बक्सी तालाब के लोग आज मुझे पत्थर मार मार के पागल बना डाला। पवन, आज सब नसीब की बात है, सब तकदीर का खेल है। तुम कहां से कहां पहुंच गए और मैं कहां से कहां पहुंच गई पवन। लेकिन ये जो बक्सी तालाब में गुंडा राज मचा हुआ था, हमने सोनू गुंडा और भानु प्रताप को गोली से मार दिया। ये तो कौन से तूने तारे तोड़ डाले भारती? ठाकुर भानु प्रताप सोनू गुंडा जैसे लोगों को मैंने भी मारा है, लेकिन जब तक इस बक्सी तालाब में मंत्री चरण दास जीवित रहेगा, तब तक इसी तरीके से एक न एक सोनू गुंडा ठाकुर भानु प्रताप पैदा होता रहेगा। और मेला कमेटी की तरफ से, ये हमारे भैया की तरफ से, ये 20 रुपये इंस्पेक्टर पवन आपकी सीन पे खुश होकर के कलमबंद इनाम देते हैं, और 20 रुपये इस चौकीदार को देते हैं। किस बात को कहते? उसको साले को जरा उसको नेता को बुलाओ। हाँ, ये नेता को बुलाओ, ये भाई साहब 20 रुपये हमारे लिए दे, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अब है नेता जी का आयर है। भारती देवी, पवन उसे हमने जिंदा नहीं रखा है, वो जिंदा नहीं है, उसे हमने जिंदा रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुमने सब कुछ खोया है, सोचती हूँ कि वो देश का बच्चक है और तुम देश के रक्षक। मैं चाहती हूँ कि उसकी मौत तुम्हारे हाथों से हो, ताकि इस बक्सी तालाब में तुम्हारा मंत्री अगर आए तो उसकी मौत देख के उसकी रूह कांप जाए। भारती देवी, क्या तू भी इन बक्सी तालाब के लोगों के तरीके से हमें पागल समझती है? क्या मैं इतना बिथर गया हूँ
कैसे इन हाथों से मंत्री चरणदास को मारूंगा। पवन, अरे रोना तो औरतों को शोभा देता है, तुम जैसे मर्दों को नहीं। कहां मिलेगा हमें नजर डालो, वो देखो सामने मंत्री चरणदास पूजा कर रहा है। ये मंत्री चरणदास है, इसे इतना मारो पवन, इतना मारो कि दोबारा ऐसा मंत्री बक्सला। माई चौदह मंत्री चरण दास की देख रहे ये चका। कहीं चका है जहां तो एक भारत देश जाबाज अफसर की फांसी का हुक्म सुनाया था। तुझे छोड़ दूंगा बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद तो मैंने तुझे हासिल कर पाया है, आज कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन तुझे इतनी जल्दी मरने भी नहीं दूंगा। सबसे पहले नेता की भौंसड़ी के टोपी हटा। चलिए चश्मा उतार, देखो पहले के सारे कपड़े उतार लेने दो। चश्मा उतार, चश्मा, हाँ चश्मा ले लो, ये चश्मा, इसके लेंस कहाँ है रे? लेंस निकाल के धर यार। क्यों? हम देखल का डाकू आ गए हमारे बगला पर, तो हम कहें चश्मा हमारे कीमती है। अच्छा? निकाल के धरती। तो तेरी जान से कीमती उसके लेंस है। अरे पूछो ना, विदेश तेरे मंगवा रहे, बहुत महंगा मिला तुम बहुत सारी मंगवाई। गौरी माला उतार, यो चश्मा विदेश से मंगवा रहा, क्या यही के लेंस बहुत कीमती है। कौन से लेंसन में जानत कौन खूबी है? चाहे आदमी हो, चाहे मेहरुआ हो, चाहे लड़का हो, चाहे लौड़िया हो, चाहे बुढ़वा हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे जवान हो, चाहे जवनिया हो, सब अंकल अंगित दिखाती। बहुत कलिया बक्सी तालाब के लोगों के साथ तूने अत्याचार। माला उतार। कौन कहा? माला उतार पहले। माला या नाले नीम खार तेरे लाए रहे। किस लिए? किस लिए लाया था नीम सार से? पूजा करने के लिए। ये माला पहन के पूजा करता है कि भौंसड़ी के छिनरई करता है तेरी माई चोदो। चल माला उतार। माला ले यार, ले यार। जय ललिता महाराज। और का कहे? जय ललिता महारानी। अच्छा यार महारानी कही बा, जय शंकर महारानी। अब कहे मारे तुम्हें तो बहुत सारी कहे।
मैं ऐसा हाल करूंगा कि तेरे कोई खानदान में राजनीति करने का नाम ही नहीं लेगा। चलिए भी उतार यो सदरी उतार सदरी ले लो मारे जाए रहा हमारे दोस्त सब जने मारे जा रहा तो सब जने रुपया देती रहो हमारे राज्य में यहाँ मौत सब जने कर रही हो हमारे राज्य मौज करते हो आज हमका देख कहाँ से रहे हो थारी वजह उत्ते हो अरे गैस सिलेंडर फ्री दवा दी रहे चूल्हा भोग भोग मर जाती रहो। हेलो ये आगे राजू भरसर की तरफ से यानी आपके रैयत के हैं जिन्होंने दिए हैं 10 रुपया के सारे कपड़ा जल्दी उतार डरो अगर तुम नहीं होते तो बक्सी तालाब के लोग नहीं होते ना तो हमारी माताएं बहनें होती क्योंकि गैस सिलेंडर देने वाले तो तुम ही हो बहुत सुविधा ध्यान बत्ते कनेक्शन फ्री दवा ध्यान तुम तो अन्य दाता हो बापू हो भोंसड़ी के सब विधवा पहले कपड़ा उतारो बाद में बात सब विधवा पेंशन बनवाई है अगर जो हम बच गए तो सब चले घबराओ ना सबका सुहागन पेंशन दवावे लगी बा सुहागन पेंशन ये उतारो परम कोट हाँ या नाले हो तो शायद जानता नहीं आज तो मेरी निगाहों में एक मुजरिम ही है और मुजरिम से जब ही मैं पूछताछ करता हूँ जब सारे कपड़े उतार लेता हूँ ये पक्षी तालाब के सभी लोग जानते हैं पगलवा है अच्छा ये भी उतार देख आज पागल तेरे साथ क्या करता है माछी मैलुआ भोंसड़ी की मार रहे आयुष भाई राजपूत बक्सी का तालाब रोदही की तरफ से 20 रुपया इनाम इन भाई साहब की सीन पे भेजे हैं उनका कहना है कि जल्दी कपड़ा उतार कर इनका निकोल दे बनियानी ले लो और सब कुछ ले लो पैजामा ले शब्द नहीं बोलोगे ना ही तो गाली गलौज दोगे साधारण में नौटंकी खेलिएगा हाँ गाली गलौज मत करिए ठीक आय दादा मार डर रहे आय तुमका गांव वाले का ये चाहिए रहा है हाय क्या हो गया मंत्री चरण दास हाय भैया मंत्री चरणदास उठ और देख इंस्पेक्टर पवन आज अपने लगे हुए कंधों की सितारों की ताकत का अंदाजा बता दिया कि कानून क्या चीज है और तू क्या चीज है तूने जैसा कर्म किया उसका तुझे फल मिला हथकड़ी पहन और थाना बक्सी खड़े हो जाओ आ बिटिया दम तो ना रह गए उठा ले पकड़ आज मेरी कसम प्रतिज्ञा पूरी हो गई लगा लीजिए हाथ में हथकड़ी और हमें डाल दीजिए लॉक में
भारती देवी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो इसके हाथों में हथकड़ी डालकर बक्सी तालाब को लोगों को दिखा देना चाहता था कि तूने मंत्री होकर के कौन से अपने प्रजा के साथ दुष्व्यवहार किया। लेकिन भारती देवी, जो मैंने काले, जो मैंने कानून की वर्दी पहन करके इन बक्सी तालाब के लोगों को इंसाफ ना दिलवा सका, आज तूने काले लिबाज को पहन करके लोगों को इंसाफ दिलवाया। इंसाफ के साथ साथ आज तूने वो कर दिखाया है। दुनिया के लोग यही कहेंगे कि अपने पति को बचाने के लिए भारत की नारी कुछ भी रूप धारण कर सकती। पवन, मैं एक मुसाफिर से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। कौन है वो मुसाफिर? मिलना चाहते हो? हाँ। वो देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन है? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, आप सोच रहे होंगे कि अजय के गोली मार दूं। आपके रिवॉल्वर में गोली है तो हमारे राइफल में भी है। अच्छा, मैं तुझसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा, आखिर तू इतना निर्दयी क्यों बन गया जो तूने बेबस मजबूर मेरी बहन की गोली मार दिया? यही तो रोना है इंस्पेक्टर साहब। सुमन की गोली मैंने नहीं मारा। क्यों? तूने नहीं मारा? क्योंकि सुमन से मैं प्यार करता था। क्या? हाँ, ये राज सिर्फ हम सुमन जानते थे। उस दिन मेरे भाई का खून हुआ था, मेरा दिमाग चकरा रहा था, इसलिए आपसे अनाप शनाप करके वहां से भाग निकला। लेकिन तूने खून नहीं किया तो आखिर मेरी बहन का खून किया किसने? खून करने वाला वही सोनू गुंडा। जिस समय आपके क्वार्टर पे मैं पहुंचा उस समय सोनू गुंडा गोली मार चुका था। सुमन मुझे जीवित मिली लेकिन आप मेरा पीछा कर रहे थे, लिहाजा सुमन को छोड़ के मुझे भागना पड़ा। और फिर भी आपने मेरे बाजू में गोली मार दिया, मैं भागते भागते चंबल पहुंच गया। जो भी सजा देना होता दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सख्त से तैयार हूँ। अच्छा, नादान मेरी आंखें उस दिन अगर समझ गई होती तो शायद अजय तो इस देश का बागी नहीं कहलाता, आज तो इस देश का बागी है। मैं इस भारत देश का एक जाबाज अफसर हूँ, इसलिए मैं इंस्पेक्टर पवन के हाथ से नहीं बल्कि जो तू जिसे प्यार करता था मेरी बहन सुमन, मेरी बहन सुमन की तरफ से तुझसे यही रिक्वेस्ट है कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे छुड़वाने के लिए सारी सारी ताकत लगा दूंगा और तुझे बहुत जल्द उस न्यायाधीश अदालत से बाइज्जत बरी करा कर। मुझे मंजूर है इंस्पेक्टर साहब, हथकड़ी डाल दो इन लोगों। और पवन, आज से डाकू की जिंदगी यही समाप्त करती हूँ। अब जब भी जीऊंगी तो अपने इस वतन के लिए, मरूंगी तो अपने इस वतन के लिए। तो आज तू कसम खा जा कि जब उस न्यायाधीश अदालत से बाइज्जत बरी होकर के इस बक्सी तालाब में आएगी तो वही भारती देवी बन करके जिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे। वंदे मातरम, जय जय वंदे मातरम।